हाय गाइस, मंडे आज अभी वीडियो डाला था, पढ़ रहे थे कमेंट्स वगैरह, तो ये देखिए पीछे एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है। तो यार बारबेक्यू करने के बाद आज बड़ा ही शांत सा दिन है, मतलब मंडे का दिन ऐसे ही जाता है, मंडे ब्लूज। लेकिन कल है मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी, तो वो मनाने जा रहे हैं हम, तो उसी के लिए मुझे केक का सामान लेने जा रही है मार्केट। तो यार आ गए हैं नागपाल के छोले भटूरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी के उपलक्ष में। अब ये दोपहर को ही मंगा लिया हमने, रात को नॉर्मली खाते हैं। ये दे भाई छोले भटूरे अपने, मेरे सबके लिए, मैं नहीं खा सकता। हैप्पी एनिवर्सरी है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मेरी तरफ से रहेगी क्योंकि बच्चों को। ठीक है, ओके। गाड़ी का इंश्योरेंस? हाँ हाँ दे दो भैया गाड़ी का इंश्योरेंस। माँ की तरफ छोले भटूरे खा रहे हो किस खुशी में? हैं? एनिवर्सरी की खुशी में। एनिवर्सरी किसकी है? मेरी। आपकी? हैं? ये क्या मतलब हुआ? तो यार खा तो लो अच्छे से छोले भटूरे, एक आप हो जो आराम से खा सकते हो, एक मैं हूँ जिसको सोचना पड़ता है खाने से पहले। खाओ खाओ, थोड़े दिन के लिए ना बच्चा बनने का मन करता है यार, ताकि कुछ सोचना ही ना पड़े यार। जितने पिज्जा खाने खाओ, जितना चीज खाना है खाओ, जितने छोले भटूरे, तेल फूल समोसे जलेबी, क्या ही बताऊं यार, बहुत ही हार्ड लाइफ हो जाती है। काशु का पिज्जा आएगा। हाँ। आज सबको ट्रीट मेरी तरफ से। अच्छा, इनकी भी ठीक है, दोनों गलता, इनकी ट्रीट मेरी तरफ से। मैं डबल ट्रिपल चीज चाहिए काशु को पिज्जा। ओके, और ये खेला जा रहा है दादी के साथ गेस हू। हाँ वो वेजिटेरियन ही लेती है। हाँ मार्गरीटा। ये देखिए गाइस मंशा बना रही है केक आज रात के लिए, और ऑर्डर तो चीजें हो ही गई हैं। अब रात के लिए क्या ऑर्डर करना है? मम्मी कह रही थी वैसे तो मैं पनीर टिक्का थोड़ा बना दूंगी, मतलब काशु पिज्जा खा रही है मम्मी, कह रही है काशु पिज्जा खाएगी। मैंने तो उसके लिए सबके लिए पनीर टिक्का कर रही थी। मैं क्या खाऊं, कुछ हेल्दी बता दे यार। हेल्दी मेरी सब्जियां कटवा दे, फिर क्या ही करूं। नो, हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं टेस्ट के साथ, हेल्थ भी क्या खा लो। आज ट्यूसडे है ना, नॉन वेज नहीं खा सकते, कोई प्रॉब्लम है। ढोकला मंगवा लो। आई थिंक दैट्स या इडली, इडली सांभर इज फाइन। इडली सांभर मंगा लो। ठीक है डन है, मेरा इडली सांभर है, केक बन रहा है, काशो का पिज्जा है, मंशा पनीर टिक्का कर रही है सबके लिए। हो गई आज एनिवर्सरी, बट ट्यूजडे का दिन है और बहुत बिजी चल रहा हूँ, मेरे को ही पता है मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूँ आज। ये मम्मी ने भेजा था गिफ्ट, बहुत सुंदर है एनिवर्सरी का, कलर ही बड़ा प्यारा है, पसंद वाला है मेरा, चेक कर लो, देख लो पसंद है, वरना चेंज भी कर सकते हैं। सुंदर है, डिजाइन भी सुंदर है, कलर भी सुंदर है। तो यार मंशा बहुत देर से ढूंढ रही थी, मैंने उसके लिए ढूंढ के दिया बड़ी मुश्किल से। ये बहुत जरूरी है केक डेकोरेट करने के लिए, और ये मैं पिछले 2-3 महीने से ढूंढ रही हूँ कि ये कहाँ गया, ये कहाँ घूम गया। व्हाट गोइंग सो मच। ठीक है ठीक है, यू आर अ लाइफ सेवर, तुमने पूरी अलमारी भी इसी चक्कर में साफ भी कर दी, वेरी गुड बॉय हो। सुन रहे हो गाइस? ठीक है, मंशा के चेहरे पर इतनी खुशी आ गई है देख के। अच्छा, ये तो बेचारी केक ही नहीं बना पा रही थी। अब इसे संभाल के रखियो। ये देखो पीछे जो आवाजें आ रही है ना, ये मेरी फाइंड की खुशी मना रहे हैं जो मैंने ढूंढ के दिया है। और गाइस ये जो है ना, ये मैंने बनाया था अपने हाथों से, इसका लव मिल गया था, वो भी मिल गया, अब लिव लव लव ऐसे पूरा बना दूंगा। तो यार बड़े टाइम के बाद ये देखिए लिव लव लव वापस कंप्लीट हो गया। आपने पिछले व्लॉग्स में हमेशा लव गाया भी देखा होगा, अब लव भी आ गया, ये मैंने बनाया था अपने हाथ से, फिर बताऊंगा। यार ये बनाया मंशा ने घर पे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे, और काशु ने बनाई है कोई प्रेजेंटेशन। अच्छा ठीक है, दिखा देंगे अभी। ये देखो यार काशु ने बनाई है प्रेजेंटेशन, मुझे काशु की प्रेजेंटेशन देख ले भाई। काशु तो किसी मूवी की स्टार्टिंग लग रही है काशु, हैं? आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें। हिंदी में लिखा है, हाँ। दादी के लिए।
हम हल्दीराम में खा रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, दिवाली। हाँ ओ भाई, ये तो बहुत पुरानी फोटो है। ये कौन है? मैं ही हूँ वो। नहीं। हाँ दिवाली अगेन। ये पापा नहीं थे इस दिवाली में, एक दिवाली में शायद मैं और आप ही थे। अच्छा हाँ, मैं नहीं था शायद। ये चंडीगढ़ मेरा बर्थडे की, ये दादी का बर्थडे राइट साइड पे। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बेटा, बहुत वेरी नाइस। खाना भी आ गया, दादी तो खुश हो गई देख के प्रेजेंटेशन। वेरी नाइस, वेरी गुड काशु, यू मेक सच ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस। चलो भाई काटो। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू एंड दादी, Dadu and Dadi. Somebody does want to eat the cake. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Nobody, anniversary. Nobody can put a copyright on this song. Yes. Very good. Dadu. चंडीगढ़ से मैसेज आया है अच्छा चलो बस बस, दादी दादी को परेशान नहीं करना, काशी बस बस बस, चलो चलो आ गया मजा दादी को लगा के। यार देखिए, निवेद्यम से सातवें खाना आया ट्यूसडे को, और काशु भी खा रही है अपना वेज पिज्जा। कौन सा मंगाया आपने? मार्गरिटा, ऑब्वियसली। देख लिया आपने, वेनसडे थर्सडे को तो हमने लात मार दी, कुछ नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाए, तो अब सीधा फ्राइडे पे स्विच हुए हैं और अभी भी 5 बज रहे हैं शाम के, तो थोड़ा सा अब जाके काम हल्का हल्का ठीक होने लगता है। तो बस अब सोच रहे हैं कि मतलब अब हमारा ना एक और हम किसी से मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं वो आप हमारे ब्लॉग में देखना, तो आप एक्साइटेड हो जाओगे उनको देख के, बहुत ही मजेदार लोग हैं। अब आप गेस भी कर चुके होंगे, बट ये हमारी इस वीकेंड एक ससुराल जाने वाले हैं, हम आज शाम को ही निकल जाएंगे, तो वहां जाके बस। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ये देखो बच्चा आ गया। तो अभी शाम को थोड़ा सा ना लेट इवनिंग हम निकल जाएंगे, पैकिंग वैकिंग, ये देखो बैग वैग निकला हुआ है, तो बस ये पैकिंग वगैरह करा के वहां पहुंचेंगे, और फिर से थर्ड कंसेक्यूटिव वीकेंड हमारी बारबेक्यू पार्टी। यस, तो यार चलो वही सामान वगैरह रेडी करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जल्दी से। तो भाई पैक हो चुका है सब कुछ, बिल्कुल भी जगह नहीं है गाड़ी में बैठने के लिए, और कल के बारबेक्यू के लिए मसाला तैयार है, बहुत टाइम लगने वाला है अभी एडजस्टमेंट्स करने के लिए, ऊपर लोड करने के लिए। हाँ जा रहे हैं बस अब वहाँ पे अपने एक्स ससुराल। ये देखिए गाइस कितना सामान है, पूरी ट्रॉली भरी हुई है। ओए होए होए, प्लीज लेट मी इन। ये आधी क्यों बंद हुई हुई है, हटना, मैं आ जाऊंगा। चलो तो पतले से ही हो, चलो नहीं यार अब पतला नहीं हूँ। तो यार ये देखिए, ये इस लिफ्ट में और कोई नहीं आ सकता, बस अगर कोई खोलेगा भी ना
तो भी शक्ल देख के चला जाएगा आई गेस। ये हमारी लिफ्ट है, हमने कब्जा कर दिया इस पे। इतना सारा सामान, लकड़ी, कोयला, लैपटॉप, हाँ फायर स्टिक भी रखी मैंने, और बाकी खाने पीने का सामान है सारा। यहाँ आ गए, सारे अरेंजमेंट कर दिए, सब कुछ कर दिया, बट थोड़ी सी बुरी खबर है, शायद कल की पार्टी कैंसिल हो सकती है, लेकिन वो कल ही पता चलेगा। बट स्टिल अगर वो कैंसिल हुई तो हम अपनी ऑन रखेंगे, हम भी कुछ कर लेंगे थोड़ा, या तो बाहर चले जाएंगे या कुछ कर लेंगे। हमारी पार्टी जारी है। हाँ, हम तीनों की पार्टी जारी रहेगी। शो मस्ट गो ऑन। एग्जैक्टली, तो कल का कल पता लगेगा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पता है क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज़ सब्सक्राइब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और बेल आइकन को भी दबा देना, बेल आइकन दबाओगे तब यू पाओगे सारे मुझे गुड। बाय गाइस, लव यू, बाय।